अस्सलामुअलैकुम, बर्ड मरकज में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की मेरी एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग जो कि अपने बर्ड्स को टेम करना चाहते हैं और वो टिप्स लेना चाहते हैं कि हम लोग अपने बर्ड्स को कैसे टेम कर सकें, इनके बर्ड्स इनके हाथ पे कैसे आके बैठें और वो अपने बर्ड्स के साथ कैसे खेल सकते हैं। तो ये बड़ी ही मज़ेदार एपिसोड होगी और इसका जो प्रोसीजर होगा वो बड़ा मज़ेदार होगा। ये आज के एपिसोड के अंदर मैं आपको वो टिप्स दूंगा, वो तरीका बताऊंगा कि जिससे आप अपने बर्ड्स को बहुत इजीली टेम कर सकते हैं, इनको फ्रेंडली बना सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं कि ये आपको बाइट ना करें। तो आज इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, वो टिप्स सीखेंगे और मैं आपको गाइड करूंगा किस तरह से अपने अपने बर्ड को टेम करना है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि बर्ड को आपने अपने से मानूस करना है। जब आपने इसको मानूस करना है तो ज़्यादातर आपने इसके साथ रहना है और इसको अपने साथ रखना है, ताकि ये एक परिंदा है, इसको इंसान की खसलत का नहीं पता, इसको इंसान के स्टाइल का नहीं पता। आपने वो बार बार रिपीट करना है इसके सामने, इसके साथ रहना है, ताकि इसको एक आपकी आदत का भी पता चल जाए और इसको भी आपकी आदत होना शुरू हो जाए। इसको ये ना लगे कि ये बंदा जब मेरे पास आता है तो मुझे किसी किस्म का नुकसान पहुँचाएगा। इसको सिखाने का सबसे अच्छा तरीका का यही होता है कि आप इसके छोटे चिक्स ले लें, ऐसे चिक्स जो कि हैंड फीड पे हों। जब हैंड फीड वाले आप चिक्स लेते हैं, आप उसको खाना खिलाने लगते हैं, तो तब से वो आपको अपने पास फील करने लग जाता है। और जब वो आपको अपने पास फील करता है तो उसके अंदर से एक जो डर होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो एक बहुत अच्छी टिप है कि आप कोशिश करें कि इसके छोटे बच्चों को आप लें, जो कि आपका महीना या डेढ़ महीने का बच्चा है, उसको खुद हैंड फीड करना शुरू करें। क्योंकि हैंड फीड जो होती है वो कम से कम आपकी 3 महीने चलती है, कुछ बर्ड्स 2.5 महीने में हैंड फीड खत्म कर देते हैं, कुछ बच्चे 3 महीने तक हैंड फीड लेते हैं। तो जितना अर्सा वो हैंड फीड करता रहेगा, उसको आपके हाथ की भी आदत होगी और आपसे वो डरना भी खत्म कर देगा। ये होगी है टिप के जब आप इसके साथ हो। लेकिन जब आपका तोता आपके घर के अंदर है, आपके घर के दूसरे लोग भी हैं जो कि इससे प्यार भी करना चाहेंगे, इसे खेलना भी चाहेंगे, अब आपने क्या करना है? जब आपने इसकी हैंड फीड स्टार्ट की होगी तो कोशिश करनी है कि आपने इसको घर में बाकी लोगों के साथ भी मिलवाना है। बारी बारी सबके हाथ आप इसको लगाना शुरू कर दें या सबके पास जाके इसको बिठाना शुरू कर दें। जहाँ पर आप बैठते हैं, आपका जो लिविंग रूम है, कोशिश करें वहाँ पर इसको बिठा दें। अगर इसका आपका केज ऐसा है जिसके ऊपर ये इजीली बैठ सकता है, उसकी छत के ऊपर या आपका स्टैंड है, उसके ऊपर रख के अपने लिविंग रूम के अंदर ला के इसको रख दें, ताकि एक तो आपकी बातें भी सुने और साथ में वो आपको देखता भी रहे कि ये वो लोग हैं जो बार बार इसके सामने आते हैं और गाय बगाए इसको हाथ इसके ऊपर मारते रहें। अच्छा, एक और चीज़, जब आपने इसको टेम करना है और इसका एक जो डर होता है कि ये बाइट ना करे, तो बाइट से बचने के लिए आपने इसकी चूंच को ऐसे ऐसे प्यार करते रहना है, ताकि इसको अपनी चूंच के ऊपर हाथ लगने का एहसास होता रहे और इसको ये पता हो कि ये जो हाथ हैं ये मुझे प्यार करने के लिए आ रहे हैं, जबकि मुझे नुकसान देने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो जब इस तरह करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इस बर्ड को आदत होना शुरू हो जाएगी। आप अपना हाथ इसके मुंह के करीब करेंगे तो ये आपको काटेगा नहीं, बल्कि ये फील करेगा कि आप इसको कोई चीज़ खिलाने लगे हैं और उसी स्टाइल में ये अपना मुंह खोलेगा कि आप इसको कोई चीज़ खिलाएंगे। क्योंकि जब आप इसको हैंड फीड कर रहे थे तो आप इसको खिलाया करते थे, इसी तरह आपने इसको इसकी बाइट को रोकने के लिए इसकी चूंच को प्यार करते रहना। अब जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आपने कोशिश करनी है इसको सारा दिन केज के अंदर नहीं रखना, क्योंकि अगर आपने इसको ज़्यादा केज के अंदर रखा तो इसको अपने अंदर और आपके अंदर एक डिफरेंस फील होना शुरू हो जाएगा। इसको ये लगेगा कि आप और हो और मेरी पर्सनालिटी और है। आपके जो परिंदा होता है बहुत सेंसिटिव होता है, वो आपकी चीज़ों को नोट करता है, वो आपके जेस्चर को नोट करता है, वो आपके चलने के स्टाइल को नोट करता है। तो जब आपका ये परिंदा केज के अंदर होगा तो वो ये फील करेगा कि मैं केज के अंदर हूँ, काफ़ी देर से इन लोगों ने मुझे निकाला नहीं है, इस वजह से इसको ज़्यादा केज की आदत नहीं डालनी। अगर इसको ज़्यादा केज की आदत डल गई तो फिर ये आपके साथ इतना ज़्यादा मानूस नहीं होगा, तो इस वजह से आपने इसको ज़्यादा केज की आदत नहीं डालनी। रात को अगर आप इसको केज में बंद कर रहे हैं तो कोशिश करनी है कि सुबह आपने इसको निकाल के पिंजरे के ऊपर बिठा दें, या फिर अगर आपके पास एक स्टैंड है तो स्टैंड के ऊपर बिठा दें। इससे क्या होगा, ये वापस आपके माहौल के अंदर आ जाएगा और आपको फिर से देखना शुरू करेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आपके साथ मानूस होना शुरू हो जाएगा। फिर ना तो आपको ये काटेगा और ना ही आपसे दूर भागेगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये अब आपने याद रखना है, जो कि परिंदा है वो किसी टाइम पर भी आपको उसके मूड का नहीं पता चलेगा कि वो क्या चीज़ सोच रहा है या फिर कैसे आपको वो देख रहा है। आपका परिंदा किसी टाइम भी वाइल्ड हो सकता है, वो आपकी किसी भी हरकत के ऊपर वाइल्ड हो सकता है। हो सकता है आप उसके ज़्यादा करीब हो, लेकिन आपकी किसी हरकत पर भी वो वाइल्ड होकर वो आपको बाइट कर सकता है। अब इस चीज़ से बचने के लिए आपने इसको एहसास नहीं होने देना कि ये जो उसने बाइट की है ये आपके लिए नुकसानदेह थी, कि आपको ये बाइट जोर से फील हुई है या फिर आप उसे डर के आपने हाथ पीछे किया है। आपने उसकी बाइट से डरना नहीं है, हाथ पीछे नहीं करना है। वो एक दो दफ़ा आपको बाइट करेगा, वो उस टाइम पर गुस्से पे होगा, इस वजह से आपने उसे डरना नहीं है। आपने उस बाइट को बर्दाश्त करना है और फिर उसको प्यार करना है।
तो जैसे ये आपका थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा तो उसके बाद वो दोबारा से आपके साथ ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ा तंग करता हूँ तो ये मुझे भी बाइट करेगा। अभी आप देख रहे हैं कि अभी तक मुझे बाइट नहीं कर रहा, लेकिन अब मैं जब इसे तंग करूंगा तो आपने इसकी तोते की आपने एक नेचर देखनी है, जिसको आपने तंग करना है, जो इसके ज्यादा करीब होगा ये उसको भी बाइट करेगा। अब मैं इसको तंग करूंगा, देखें अब ये देखें, अब ये देखें, अब ये मुझे काटने आ रहा है, अब मुझे काटने आ रहा है, लेकिन आपने इसे डरना नहीं है, आपने कोशिश करनी है हाथ इसके आगे रखें। मैं इसे थोड़ा सा कटवाऊंगा, अब ये अब इस टाइम पे मुझे थोड़ा काट रहा है, लेकिन आपने इसे डरना नहीं है, आपने कोशिश करनी है अपना हाथ इसके आगे रखना है। अब ये मुसलसल मुझे काटेगा, अब आपने इसे प्यार करना है, आपने इसे आराम से प्यार करना है, इसको एहसास दिलाना है कि नहीं ऐसी कोई हरकत नहीं है, हम आपको तंग नहीं कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। जब आप इसको ये साथ दिला देंगे ये दोबारा ठीक हो जाएगा, अभी आपको नहीं काटेगा। तो ये एक इसकी बेसिक टिप होती है। ज़्यादातर लोग एक दफ़ा इसके काटने के ऊपर डर जाते हैं और दोबारा इसके पास नहीं जाते हैं। जैसे ही आप इससे दूर हो जाएंगे, इसको एहसास हो जाएगा कि ये जो मैंने काम किए इस वजह से ये मुझसे डरा है, तो ये उसको रिपीट करना शुरू करेगा, आपने इसके एक्शन को रिपीट नहीं होने देना। तो ये थी आज की टिप्स के हवाले से। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आपसे मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के बारे में पता चल सके। मैं आपसे इसी तरह की डिफरेंट वीडियोज शेयर करता रहूँगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके और आपको वो नॉलेज मिले जो ऑथेंटिक हो। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, मैं किसी की तंकीद नहीं करूँगा, किसी को बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि वीडियो ऐसी अपलोड करें जो कंप्लीट हो। अगर आपने एक टॉपिक को शुरू किया उस टॉपिक को एंड भी करें, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिले। तो मेरी जितनी भी वीडियोज़ होंगी उसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू वेरी मच।